हेलो एवरीवन, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भर नमस्ते। मेरे हिमाचली पहाड़ी लाइफस्टाइल रूरल इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ये नेट वाला डिजाइन लेके आई हूँ। ये देखिए, जाली वाला डिजाइन है। ये डिजाइन जो है बेबी फ्रॉक, बेबी सेट, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफी प्यारा डिजाइन है और इसमें वूल भी काफी कम लगती है। ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड से डिजाइन इस तरह दिखता है। ये देखिए, और ये फ्रेंड्स 5 और 9 फंदों का ये डिजाइन है। 5 फंदे डिजाइन के, 4 फंदे उल्टे हैं। ये देखिए, 4 फंदे उल्टे हैं, 5 फंदे डिजाइन के हैं और 6 सिलाइयों का ये हमारा डिजाइन है। तो फ्रेंड, देरी ना करते हुए बताती हूँ कि मैंने डिजाइन किस तरह बनाया हुआ है। ये देखिए, मैंने 9 के 18+2 फंदे मैंने इसमें डाले हुए हैं। 20 फंदे डाले हुए हैं, 9 9 18+2 20 फंदे डाले हुए हैं। ये इसकी राइट साइड है। तो देखिए, पहला फंदा तो मैंने उतार लिया, धागा अपनी तरफ कर लिया। 2 फंदे मैंने सीधे बना लिए, फिर धागा बाहर किया। 1 2 3 4 5, 5 फंदे मैंने सीधे बना लिए, फिर धागा अपनी तरफ कर लिया। 1 2 फंदे उल्टे। ये देखिए, पहले फंदों को छोड़ दो आप, 2 फंदे उल्टे, 5 फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे। 5 2 7 और 2 9 फंदों का ये डिजाइन है। फिर देखिए, यहाँ 2 फंदे फिर उल्टे बनाए तो बीच में हमारे 4 फंदे हो गए, फिर धागा बाहर किया। 1 2 3 4 5, 5 फंदे हमने सीधे बनाए, 1 2 फंदे उल्टे और ये हमारा लास्ट वाला फंदा। ठीक है, इस तरह। सेकंड रो रॉन्ग साइड से पहला फंदा उतार लिए। जो फंदे आपको जिस तरह दिखाई दे रहे हैं उसी तरह आप इसे इन्हें बनाएं। तो हमें 2 फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं, ये सीधे बना लिए, फिर धागा अपनी तरफ किया। 1 2 3 4 5 फंदे हमें उल्टे दिखाई दे रहे हैं तो हमने उल्टे बना लिए, 2 फंदे हमारे सीधे बन गए, धागा 3 और ये 4 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ किया। 1 2 3 4 5 फंदे उल्टे, धागा बाहर की तरफ करके 2 फंदे सीधे और लास्ट वाला फंदा भी मैंने उल्टा बना लिया। ये हमारी सेकेंड रो बन गई। थर्ड रो राइट साइड की। देखिए, पहला फंदा मैंने उतार लिया, धागा अपनी तरफ कर लिया, 1 फंदा उल्टा, धागा बाहर रखा। अब इस फंदे को हम और इस उल्टे फंदे को इस तरह यहाँ से सिलाई डाल के एक सीधा फंदा, उल्टा फंदा, 2 फंदों का हम एक कर देंगे, फिर 1 फंदा हम नॉर्मल सीधा बनाएंगे। अब यहाँ जाली डालेंगे, 1 फंदा सीधा, फिर जाली डालेंगे, 1 फंदा सिंपल सीधा बनाएंगे और दूसरे को इस उल्टे फंदे के साथ एक कर देंगे। अब यहाँ 7 फंदे हो गए हमारे, फिर धागा अंदर किया, 2 फंदे हमारे उल्टे। ये देखिए, इस सीधे फंदे को और उल्टे फंदे को हमने एक कर दिया, 1 फंदा और सीधा बनाया, फिर जाली डाली, 1 फंदा सीधा, फिर जाली डाली, 1 फंदा सीधा। अब इस सीधे फंदे को और उल्टे फंदे को हमने एक कर दिया, सीधा अपनी तरफ किया। अब यहाँ 1 उल्टा फंदा बचा और ये लास्ट वाला फंदा मैंने सीधा बनाया। फोर्थ रो रॉन्ग साइड से। पहला फंदा उतार लिया, 1 फंदा सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे उल्टे। अब यहाँ 2 फंदे सीधे बचे, 2 सीधे बचे, फिर धागा अंदर किया, 1 2 3
पांच, छः, सात, सात फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा और लास्ट वाला फंदा भी सीधा बना दिया। ये हमारी फिफ्थ रो राइट साइड से पहला फंदा उतार लिए इस तरह। अब इस फंदे को हमने इसके साथ इस तरह दो फंदों का एक कर दिया, एक फंदा सीधा। अब ये फंदा भी हमारा सीधा बना। अब जाली डाली, एक फंदा सीधा, फिर जाली डाली। अब यहाँ एक दो और इस फंदे को हमने इसके साथ ऐसे एक कर दिया इस तरह। अभी एक फंदा ये बचा, इसको और सीधे फंदे को हमने दो फंदों का एक कर दिया, एक फंदा सीधा, एक फंदा ये जो है ये भी सीधा बनेगा। फिर जाली डालेंगे ये बीच वाले फंदे के साथ, फिर जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, दो फंदे सीधे और ये उल्टे फंदे के साथ इन दो फंदों का हम एक कर देंगे और ये लास्ट वाला फंदा हमारा सीधा बन गया। सिक्स रो पहला फंदा उतारा। इस रो में आपको सारे फंदे उल्टे बनाना पड़ेंगे। ये देखिए इस तरह आपने सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। ये देखिए ये सारे फंदे मैंने उल्टे, इस तरह का ये हमारा सिंपल सा पैटर्न है। अब दोबारा आपने यहाँ एक फंदा उतारना है, दो फंदे उल्टे, पांच फंदे सीधे, चार फंदे उल्टे, इसी तरह जिस तरह हमने डब्बी स्टार्ट की है उसी तरह डब्बी दोबारा से स्टार्ट करनी है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगने पर फ्रेंड लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद। बाय बाय।